दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 और 8 के बीच में वो कौन सा ऐसा वक्त होगा जब आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन यानी एक स्ट्रेट लाइन में पर ऑपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में होंगे। तो समय कुछ इस तरीके का होगा, 7 और 8 के बीच में आर हैंड होगा और मिनट हैंड जो इसके ठीक पीछे 1 और 2 के बीच में होगा, क्योंकि 7 के ठीक सामने 1 होता है और 8 के ठीक सामने 2। तो अगर आर हैंड 7 और 8 के बीच में है तो ऑब्वियस बात है कि मिनट हैंड 1 और 2 के बीच कहीं होगी। अगेन हमें पता करना है कि इस वक्त क्या समय हो रहा होगा। फिर से हम इस चीज को जो आर हैंड मूव कर गया है उस मिनट स्पेस को एक्स मानते हैं, तो एक्स मिनट स्पेसेस आर हैंड मूव कर गया, तो इसमें हम क्या कहेंगे, आर हैंड मूव्स बाय एक्स मिनट स्पेसेस, ये हमने अज्यूम कर लिया। जब आर हैंड एक्स मिनट स्पेस मूव कर गया उस वक्त मिनट हैंड कहां से मूव करोगा, पहला समय ओरिजिनल टाइम दे रखा है शाम के 7 बजे यानी कि यहां रहा होगा, और अब फाइनल पोजीशन यहां है यानी कि वो यहां से लेकर यहां तक मूव कर गया। अब आप ये बताइए कि 12 से 1 के बीच में कितने मिनट स्पेसेस होते हैं, 5। 12 और 5, ये मैं डिग्री की तरह लिख रहा हूं पर ये डिग्री नहीं है, ये मिनट स्पेसेस है बेसिकली, यहां लिखना होगा लेकिन यहां अगर मैं लिखूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी नंबर्स के बीच, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, ये डिग्री नहीं है ये मिनट स्पेसेस है। तो 12 और 1 के बीच में डिग्री 30 होगी पर मिनट स्पेसेस 5, तो 12 और 1 के बीच में 5 मिनट स्पेस तो उसने कवर कर लिया, ये क्या होगा, इतना आप देखेंगे ये 7 और 1 एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक्स और एक्स वर्टिकली ऑपोजिट एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट हैं, तो एंगल्स में जब हम देखते हैं कि दो लाइंस अगर होंगी तो आमने सामने के एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, वही चीज यहां पे भी होगा। तो ये एक्स मिनट स्पेस है तो इधर भी ये एक्स, ये वाला ये एक्स मिनट स्पेस होगा क्योंकि हम 7 और 1 और इन दोनों लाइन इस लाइन और इस लाइन को देख रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स मिनट स्पेस होगा। तो आर हैंड तो एक्स मूव कर गया, मिनट हैंड कितना मूव कर गया, यहां से शुरू किया था क्योंकि पहला टाइम 7 था, तो 5 प्लस एक्स, तो मिनट हैंड कितना मूव कर गया, मिनट हैंड मूव्स बाय 5 प्लस एक्स मिनट स्पेसेस। जिस दौरान आर हैंड एक्स मिनट स्पेस मूव कर रहा है उसी दौरान मिनट हैंड 5 प्लस एक्स मिनट स्पेस मूव कर गया, तो मिनट स्पेसेस गेन्ड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड ने कितना मिनट स्पेस गेन किया, अगेन हम लोग उस बढ़त को निकालने के लिए मिनट हैंड ने जितना ट्रेवल किया और आर हैंड में जितना ट्रेवल किया उतना माइनस करेंगे, तो बचा हमारा 5। तो आर हैंड ने जब एक्स मिनट स्पेस मूव किया तो उस दौरान मिनट हैंड ने आर हैंड पर 5 मिनट स्पेस की बढ़त बनाई, और हम फिर से जानते हैं कि 55 मिनट स्पेस का मतलब होता है 60 मिनट या 1 घंटा, तो 5 मिनट स्पेस का मतलब क्या हो जाएगा, 60 बाई 55 इंटू 5 11 यानी कि 5 5 बाई 11 मिनट, तो ये 5 5 बाई 11 मिनट के बराबर है, तो समय क्या हो रहा होगा, तो समय हो रहा होगा 7 बज के 5 5 बाई 11 मिनट, तो ये टाइम 5 5 बाई 11 मिनट्स के बराबर होगा, तो ये हमारा टाइम निकल गया। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली उसके बाद आप लोग काफी क्लियर हो जाएगा और आगे के क्वेश्चन आप आराम से उठा सकेंगे, और इस पे इस टाइप पे बेस्ड हमारी किताब में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनफैक्ट हमने एक पूरा टाइप ही इस चीज़ पर डिवोट किया है, तो आप जाएंगे तो उसमें कई तरीके के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस तरीके से सॉल्व किए हैं, और चूंकि बुक कंप्लीटली सॉल्व है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में अगर आपसे सॉल्व ना हो पाए तो। अब जो तीसरा प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें कह रहा है कि समय 4 और 5 के बीच है और सुइयाँ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रही हैं पर स्ट्रेट लाइन में है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है,
अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि आर हैंड एक्स मिनट स्पेस मूव कर गया है. जब आर हैंड एक्स मिनट स्पेस मूव कर गया है और हम इसे देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये सेंटर यानी कि केंद्र से पास करती है, एक सर्कल जो क्लॉक सर्कल है उसके सेंटर से पास करती हुई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर, यानी कि वो सर्कल को दो बराबर के पार्ट्स में बांट रहा है. और बराबर के पार्ट्स में बांट रहा है और पूरा सर्कल 60 मिनट स्पेस है, तो ऑब्वियस बात है कि ये पूरी चीज़ 30 मिनट स्पेस होगी और बाकी लाइन की दूसरी साइड भी वो 30 मिनट स्पेस होगी. तो हमारा ये 30 मिनट स्पेस हो गया. अब हम देखते हैं कि मिनट है, आर हैंड कितना मूव कर गया, आर हैंड मूव्स बाय एक्स मिनट स्पेसेस. आर हैंड को हमने कह दिया कि एक्स मिनट स्पेस मूव कर गया. अब मिनट हैंड का देखिए, 4 बजे हमारा ओरिजिनल समय था और अब मिनट की सुई यहां पहुंच चुकी है, तो हमें पता करना है कि यहां से कंप्लीट ये कितने मिनट स्पेसेस मूव कर गई. तो आप देखिए, ये तो हमें मालूम है यहां से यहां तक 30 है, ये एक्स है, ये एक्स है, और ये कितना है, 12 से 4 के बीच में 5, 10, 15, 20. मिनट हैंड कितना मूव कर गई, ये 20, ये एक्स और फिर ये 30, यानी कि टोटल मिनट हैंड कितना मूव कर गई, मिनट हैंड मूव्स बाय 20 प्लस एक्स प्लस 30 यानी कि 50 प्लस एक्स मिनट स्पेसेस मूव कर गई. तो गेन कितना हुआ, गेन हो गया हमारा 50 प्लस एक्स माइनस एक्स यानी कि 50 मिनट स्पेसेस, 50 मिनट स्पेसेस का गेन हो गया. अब फिर से वही फंडा हम लगाएंगे, 55 मिनट स्पेसेस 60 मिनट के बराबर होते हैं, तो 50 मिनट स्पेसेस कितने मिनट्स के बराबर होंगे, 60/55 × 50 यानी कि 50 मिनट स्पेसेस 54/6/11 मिनट होगा. तो समय क्या हो रहा होगा, 4:54/6/11 मिनट्स, ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है. तो आंसर हम लोग मार्क करेंगे 4:54/6/11 मिनट. तो दिस इज गोइंग टू बी द टाइम दैट यू हैव टू मार्क. तो इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे. तो ये इसमें हमने मिनट, इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा कि मिनट स्पेसेस क्या होता है और मिनट स्पेसेस का यूज़ करके हम लोग समय बताते हैं. अगर पोजीशन ऑफ आर हैंड और मिनट हैंड, मिनट हैंड और आर हैंड की अगर पोजीशन दी हुई है तो हम लोग समय बता सकते हैं.